हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टूडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए मैडोसन फंक्शन ऑफ मनी। सही सुना, मैडोसन फंक्शन में। सबसे पहले आप सभी इस कोरोना काल में महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे, तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके माय स्टूडेंट, तो आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं टाइप फंक्शन ऑफ मनी। इसके पहले हमने चर्चा किया था टाइप्स ऑफ मनी, अब हम उससे आगे बढ़े माय स्टूडेंट फंक्शन ऑफ मनी। मनी के कौन कौन से फंक्शन है, मार्केट में मनी के क्या क्या काम है? तो मनी, देयर आर मेनली थ्री फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड टर्शियरी फंक्शन। टर्शियरी फंक्शन है कॉन्टिजेंसी फंक्शन। आइए वन बाई वन डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मनी में के अंतर्गत वह फंक्शन आते हैं जिसमें स्टोर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सो इसमें दो फंक्शन आते हैं प्राइमरी फंक्शन। फर्स्ट इज है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सेकेंड इज ए मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि मार्केट में जितने भी गुड सर्विस है उसके लेन देन बार्गेनिंग में जो एज ए मीडियम के रूप में उपयोग होता है, जैसे करेंसी, कॉइन एंड करेंसी नोट एक्स इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पे करेंसी, कॉइन, करेंसी ने क्या है, यहाँ पे प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का भूमिका अदा करता है। ओके मैडम, तो ये फर्स्ट फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। ओके मैडम, सेकेंड फंक्शन, सेकेंड प्राइमरी फंक्शन बढ़ते हैं, वह है हमारे उससे मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू ये सेकेंड प्राइमरी फंक्शन है मनी का। मैडम, जैसे अगर हमें एक किलो चावल लेना है तो एक किलो चावल कितने का मार्केट प्राइस, इसमें मान लीजिए 20 से 30 रुपये के बीच में होता है, 20 से 30 रुपए के आसपास पर केजी एक चावल मिलेगा। तो हम कह सकते हैं 20 से 30 रुपया क्या है, ये एक केजी चावल का वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ वैल्यू यानी किसी भी गुड सर्विस के वैल्यू को मेजर करने में भी ये सेकेंड भूमिका अदा करता है मनी। तो हम कह सकते हैं मेजर ऑफ वैल्यू ये सेकेंड प्राइमरी फंक्शन है, जो कि मनी का सेकेंड प्राइमरी फंक्शन। ओके मैं, अब हम सेकेंड फंक्शन ऑफ मनी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में मेरे तीन फंक्शन है। पहला है स्टैंडर्ड पेमेंट, दूसरा है डिफर्ड पेमेंट एंड तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके मैं, आइए तो अभी सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में पॉइंट वाइज चर्चा करें। पहला है स्टैंडर्ड पेमेंट। मनी स्टैंडर्ड पेमेंट है, यानी कोई भी मार्केट में गुड सर्विस को अगर परचेज करना हो या सेल करना हो तो मनी एज ए स्टैंडर्ड मनी स्टैंडर्ड पेमेंट के रूप में यूज होता है। तो हम कह सकते हैं कोई भी स्टैंडर्ड पेमेंट करना हो मार्केट में गुड सर्विस पर, उसमें हम मनी के द्वारा ही खरीदारी करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये भी सेकेंड, फर्स्ट सेकेंडरी फंक्शन है मनी। सेकेंड सेकेंडरी फंक्शन की तरफ बढ़ते हुए डिफर पेमेंट। अगर मान लीजिए किसी का बकाया है, किसी आदमी ने कोई गुड सर्विस खरीदा है, मान लीजिए उसने 1,000 रुपये 10,000 रुपये की खरीदारी की है, उसने उधार खरीदा है, अब उसको फ्यूचर में, अब जब उसके पास पैसे आएंगे तो पेमेंट करेंगे, तो फ्यूचर में जब भी वो पेमेंट करेगा तो मनी के रूप में, या तो करेंसी क्वाइन या करेंसी नोट के रूप में पेमेंट करेगा। तो हम कह सकते हैं यानी फ्यूचर में अगर आप किसी को पेमेंट करना है गुड सर्विस का जो परचेज किया है या सेलिंग किया है, तो यहाँ पे एज ए डेफर पेमेंट के रूप में मनी का उपयोग होता है। तो हम कह सकते हैं डेफर पेमेंट इज द सेकेंड सेकेंडरी फंक्शन। ओके मैं, थर्ड सेकेंडरी फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वह है मॉडिफिकेशन ट्रांसफर पेमेंट। अगर किसी को पेमेंट करना है, अगर कोई व्यक्ति कंज्यूमर ऑनलाइन परचेस कर रहा है, ऑनलाइन परचेसिंग कर रहा है, ऑफलाइन परचेसिंग कर रहा है, ठीक है मैडम सेम, ऑनलाइन परचेस कर रहा है, किसी को सैलरी देना है, किसी को मनी ऑर्डर भेजना है, किसी को चेक मनी भेजना है ट्रांसफर, तो इस तरह का जहां भी ट्रांसफर पेमेंट से संबंधित जो भी बातें, चाहे सैलरी हो, शॉपिंग हो, कुछ भी, अगर बैठे बैठे हमें ट्रांसफर करना है, अगर बैठे बैठे, तो बैठे बैठे तो ये ऑनलाइन ही पॉसिबल है, तो हम इस तरह के पेमेंट को हम ट्रांसफर पेमेंट करते हैं, तो वो भी मनी के रूप में किया जाता है। हालांकि इसके लिए तो टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसे हम ऑनलाइन पेमेंट भी कहते हैं, तो वो मनी अमाउंट जितने रुपया का करना होगा उनमें ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू हम करते हैं, चाहे शॉपिंग करना हो, होम डिलीवरी करना हो, या किसी को सैलरी पेमेंट करना हो, तो ये हम कह सकते हैं ट्रांसफर पेमेंट इज द थर्ड एंड थर्ड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। ओके वैसे, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मनी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉन्टिजेंसी फंक्शन या टर्शियरी फंक्शन। टर्शियरी फंक्शन में पहले हम पॉइंट वाइज बता देते हैं, प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी में, लिक्विडिटी ट्रैप में, मनी सप्लाई में, नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में और टैक्सेशन पेमेंट। ओके, तो पहला पॉइंट टैक्सेशन। अगर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना है तो इन सब में हम मनी
पेमेंट करते हैं, अब वो चाहे ऑनलाइन पेमेंट करें चाहे ऑफलाइन। तो हम कह सकते हैं टैक्सेशन इज द फर्स्ट टर्शियरी फंक्शन या कॉन्टिजेंसी। सेकेंड कॉन्टिजेंसी या टर्शियरी फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वह हमारे स्टेट लिक्विडिटी। मार्केट में प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें पैसे चाहिए, मार्केट में मनी सप्लाई रहे, तभी मनी सप्लाई रहेगा तभी इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगेगा तभी तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तभी इनकम लोगों की होगी, तभी वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, फिर सेविंग करेगा, फिर वही पैसा घूम फिर के प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो हम कह सकते हैं मार्केट में मनी सप्लाई के रूप में मनी का भी होना जरूरी है। तो ये भी हम कह सकते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप इज द सेकेंड टर्शियरी और कॉन्टिजेंसी फंक्शन। थर्ड कॉन्टिजेंसी फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वह है मॉड्यूल 10 प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी। मार्केट में प्रोडक्शन होने के लिए, मार्केट में जितने भी प्रोडक्शन चल रहे हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है इन्वेस्टर को। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों की इनकम जनरेट होगी, इनकम जब जनरेट होगी तो सेविंग जनरेट होगी, सेविंग जनरेट होगी तो कंजप्शन इन्वेस्टमेंट जनरेट होगी, फिर कंजप्शन इन्वेस्टमेंट जब जनरेट होगी तो फिर यही प्रोसेस एज ए इनकम जनरेट करेगा, और फिर यही जब इन्वेस्टमेंट जनरेट करके फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। तो हम कह सकते हैं हमारे सेन कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी में मनी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट मनी के प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होगा तो कोई भी मार्केट इकोनॉमी नहीं चल पाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज द थर्ड कॉन्टिजेंसी या टर्शियरी फंक्शन। ओके भाई, नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ कॉन्टिजेंसी या टर्शियरी फंक्शन की तरफ वो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। एक देश का दूसरे देश के साथ जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें मनी की महत्वपूर्ण भूमिका है। मनी के द्वारा ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो गवर्नमेंट की अर्निंग होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अर्निंग में भी मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम कहते हैं ये भी फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्टिजेंसी या टर्शियरी फंक्शन है मनी। ओके मैडम से तो एंड लास्ट कॉन्टिजेंसी या टर्शियरी फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वह है माइनस 10 पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू। मार्केट में जितने भी पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू जनरेट होते हैं, पब्लिक रेवेन्यू को गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है, इन सारे प्रोसेस में मनी का ट्रांसफर होता है, मनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फिफ्थ एंड लास्ट भी पब्लिक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू भी इंपॉर्टेंट कॉन्टिजेंसी या टर्शियरी फंक्शन। तो आज हमने चर्चा किया डिफरेंट फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, टैक्सी मनी। प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड्स मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी फंक्शन इंक्लूड स्टैंडर्ड पेमेंट, डेफर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। एंड द थर्ड एंड कॉन्टिजेंसी आर टर्शियरी फंक्शन इंक्लूड्स नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, लिक्विडिटी ट्रैप, प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी, मनी सप्लाई एंड गवर्नमेंट टैक्सेस। अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर नहीं तो विश्व मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे, सीख रहे, आगे बढ़ रहे, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे, इससे मुझे खुशी की क्या बात सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव करें, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो एक रुपये भी नहीं लगते बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े और मेरा मैंने वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न सटर में तो लगन, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जा, बिकॉज नॉलेज जस्ट नेवर गेट स्पॉइल। ओके मेरे से तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसमें फिर इसी तरह किसी नए टॉपिक से, मनी एनालिसिस की तरह या इसी टॉपिक संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से, फॉर योर काइंड। कल का एडवांस टॉपिक रहेगा माय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं इसी समय फिर इसी तरह किसी नए टॉपिक से या इसी टॉपिक संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, एंड वंस अगेन हरर महादेव, हरर महादेव।